हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका डिटरमिनेंट्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक भी हम लोगों ने एग्जांपल्स ही डिस्कस किए थे सेम टॉपिक के, और आगे उस टॉपिक को बढ़ाते हुए और दूसरे पैटर्न्स के एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल से, जिसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो जैसा कि हमने पीछे एग्जांपल्स में भी देखा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, देखिए आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो कि है एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स और एक्स प्लस फोर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहां पर क्या लेके आना है, थोड़ा ध्यान से देखें। हमें लेके आना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स। तो अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमें 5x प्लस 4 बना सकते हैं क्या, या 4 माइनस एक्स बना सकते हैं क्या हम। तो आप देखें थोड़ा ध्यान से, इस कॉलम को अगर मैं ऐड कर दूं इस तरह से, यूं ऐड करने पर देखें 2x, 2x और x मिलके 5x हो रहा है, और प्लस में 4, 5x प्लस 4 बन रहा है। 2x, x और 2x मिलके 5x हो रहा है और प्लस में 4 बन रहा है। अगेन x, 2x और 2x मिलके 5x हो रहा है और प्लस में 4 बन रहा है, तो 5x प्लस 4 इजीली मिल जाएगा अपने को। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, c1, c2, c3 तीनों कॉलम्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और कहां लिख रहे हैं, c1 में लिख रहे हैं। तो ये ऑपरेशन मैं यहां अप्लाई करता हूं, उसके बाद अपने आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं, तो हम चाह रहे हैं c1 में चेंज करना कि c1 प्लस c2 प्लस c3 मिल जाए यहां पर। तो देखिए क्या बनेगा, पहले वाली जगह पर भी 5x प्लस 4, दूसरे वाली जगह पर भी 5x प्लस 4 और तीसरी वाली जगह पर भी 5x प्लस 4 ही बन रहा है। अभी हमने ऐड करके देखा, तो केवल c1 में चेंज किया था, c1 में लिख दिया हमने, c2 और c3 में कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज लिख लो, 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, 2x और x प्लस 4, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में थोड़ा ध्यान दें तो इस कॉलम में से 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तीनों में है तो कॉमन ले सकते हैं हम, इसीलिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा फाइनली, यहां पर यहां बन जाएगा 5x प्लस 4 बाहर, अंदर बचेगा 1, 1, 1 इस वाले कॉलम में, तो तीनों से 5x प्लस 4 बाहर ले लिया, यहां क्या बचा, 2x, x प्लस 4 और 2x, और यहां पर अगेन 2x, 2x एंड x प्लस 4, सेम चीज, क्योंकि कॉमन सिर्फ फर्स्ट वाले में से लिया है। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर 1, 1, 1 आ जाए, किसी भी रो में आ जाए या किसी भी कॉलम में आ जाए, तो उनमें से दो को जीरो बना करके एक्सपेंड करके इजीली आंसर लेके आ सकते हैं। तो वो सेम पैटर्न रिपीट हो गया, हमें पैटर्न्स पे थोड़ा सा खास ध्यान देना है कि किस पैटर्न में हम लोग क्या काम करेंगे। तो लास्ट लेक्चर वाला पैटर्न यहां पर बन गया है, जिसमें 1, 1, 1 बन रहा था, अब हम 2, 1 को जीरो बना लेंगे। कैसे जीरो बनाते हैं हम लोग, माइनस करके जीरो बनाते हैं। हम लोगों को इसमें से माइनस करना है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर देंगे तो 1 - 1 जीरो बन जाएगा, ऐसे ही थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दोगे तो 1 - 1 अगेन जीरो बन जाएगा। तो मैं एक एक स्टेप से कर रहा हूं, ये दोनों काम एक ही स्टेप में भी कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा समझने के लिए इस बार मैं एक एक स्टेप में कर रहा हूं। मतलब पहले R2 - R1 कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में R3 - R1 करूंगा, आगे से सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो अभी समझने के लिए केवल दो स्टेप्स में कर रहे हैं इसको। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि हम R2 में चेंज करना चाह रहे हैं R2 - R1, और इस चेंज के बाद में क्या बनेगा, फिलहाल तो ये पहले तो 5x प्लस 4 तो एज इट इज रखो, और यहां पर फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1, 2x और 2x को एज इट इज रखो। सेकेंड रो में चेक करें, 1 - 1 जीरो, एक्स प्लस 4 में से 2x माइनस होगा, R2 - R1 लिखा हुआ है, तो R2 - R1 अगर लिखा हुआ है तो R2 वाला टर्म पहले लिखेंगे। R2 वाला टर्म क्या है, x प्लस 4 है R2 वाला टर्म, माइनस R1, R1 वाला टर्म क्या है, 2x, दोनों को अगर माइनस करते हो तो देखो क्या बनेगा, ये
ये बनेगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि 4 तो एज इट इज रहेगा, x में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, तो ये अल्टीमेटली 4 माइनस एक्स बचा अपने पास में, तो यहां पर लिखा जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें तो 2x में से 2x माइनस होकर के ये तो जीरो हो गया, R3 में कोई चेंज है नहीं, तो 1 2x x प्लस 4। नेक्स्ट लाइन में हमें अगेन माइनस करना है, माइनस करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर मैं लिखता हूं पहले, तो ऑपरेशन लिखोगे आप पहले, R3 में हम चेंज करना चाह रहे हैं R3 माइनस R1, तो इसके बाद में ये बनता है हमारा 5x प्लस 4, तो एज इट इज है ये सेम चीज, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम, थर्ड में चेंज हो रहा है, तो पहले फर्स्ट रो को लिख लो आप, सेकंड रो को लिख लो आप, थर्ड रो में माइनस करो तो 1 माइनस 1 ये जीरो हो जाएगा, 2x में से 2x ही माइनस हो गया, अगेन जीरो। अब x प्लस 4 में से 2x माइनस करो, कैसे पता चलता है किस में से किसको माइनस करना है, यहां लिखा है R3 वाली चीज को R1 वाले में से माइनस करना है, R3 वाली चीज है हमारे पास x प्लस 4, उसमें से माइनस करना है 2x, अभी वही किया था, तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा ऑब्वियसली, 4 माइनस x ही रिजल्ट आएगा अभी, तो यहां भी आप 4 माइनस x लिख सकते हो। हमने डिस्कस किया था कि अगर 2 जीरो बन जाए तो आप एक्सपेंड करके इजीली आंसर निकाल सकते हो, तो फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो बन रही है, आप फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं पहले कि फर्स्ट कॉलम के अबाउट हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, तो एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स C1 के अबाउट हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा फाइनली, ये बनेगा 5x प्लस 4 एज इट इज, यू बना देता हूं मैं, 1 इंटू इस पर क्रॉस बनाओगे आप, यू क्रॉस बनेगा तो बचा क्या, इसका डिटरमिनेंट 4 माइनस एक्स 0, 0 और 4 माइनस एक्स का डिटरमिनेंट, माइनस बीच वाली चीज में माइनस आता है 0, 0 के साथ कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डिटरमिनेंट नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो 0 ही होना है, और लास्ट वाला भी 0 है तो उसको भी प्लस लगा के 0, 0 के साथ भी अगेन डिटरमिनेंट 0 ही बनेगा, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 0 लिख लो इनको, तो बचा क्या फाइनली आंसर, ये बना 5x माइनस 4 सॉरी प्लस 4, और ये बचेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको कंसिडर ही मत करो 1 को, तो आप तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, जो कैसे निकालते हैं, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, और माइनस 0 इंटू 0 0 ही बनेगा, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एड सब्ट्रैक्शन से, तो रिजल्ट क्या बना फाइनली 5x प्लस 4 इंटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के साफ साफ बराबर आ रहा है। तो इस वीडियो में जो खास ट्रिक काम आई वो ये कि कॉलम्स को सभी को ऐड करने पे या रोज को सभी को ऐड करने पर ऐसी कुछ टर्म बन सकती है जो तीनों में सेम आ जाए, पूरे के पूरे कॉलम में या पूरे के पूरे रो में सेम बन जाए, तो उसको कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 1 1 1 वाला पैटर्न बन जाएगा, और 1 1 1 वाले पैटर्न में से आप 2 को 0 बना लो और आगे उसको एक्सपेंड करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान पैटर्न है, एक नया पैटर्न है जो हमने अभी तक सीखा नहीं था। अब एक छोटी सी बात यहां पर जो ध्यान देने की है वो ये है कि आप ये काम कॉलम की जगह रो में भी कर सकते थे, क्योंकि रो भी अगर ऐड करो ऊपर ले जाकर के, कॉलम में हमने इधर ले जाके ऐड किया, इसको ऊपर ऐड कर दो तीनों को, तो 2x 2x और x 5x प्लस 4 ही आ रहा है, अगेन 2x x और 2x अगेन 5x प्लस 4 ही आ रहा है, x 2x और 2x अगेन 5x प्लस 4 ही आ रहा है। तो इस केस में ऐसा था कि कॉलम से लो या रो से लो सेम आंसर आ रहा है, ये जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चंस में ऐसा हो कि रो से भी लेने पर चल जाएगा कॉलम से भी लेने पर चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें पर्टिकुलर सिर्फ रो से लेने पर ही काम चलेगा, कॉलम वाले को ऐड करने पर सेम नहीं बन रहा होगा,
या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कॉलम वाले को ऐड करने पर सेम बन रहा हो, रो वाले से सेम नहीं बन रहा हो, तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। किसी एक से करने के बाद दूसरे पे स्विच कर जाओ आप। तो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें यही पैटर्न है। देखिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये प्रूव करनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो वो उसके बाद में सोचेंगे कैसे क्या करना है। तो a माइनस बी माइनस सी, टू बी टू सी, टू ए बी माइनस सी माइनस ए, टू सी, टू ए टू बी और सी माइनस ए माइनस बी, ये हमने लिख लिया। अब आप जैसे पिछले में कॉलम हमने ऐड किए थे, अगर आप कॉलम्स को ऐड करके देखो तो देखो कॉलम को ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। टू ए और टू ए फोर ए, फोर ए और ए फाइव ए बन जाएगा, फाइव ए माइनस बी माइनस सी। तो इस वाले में देखा जाए तो बन रहा है हमारे पास फाइव ए माइनस बी माइनस सी। सेकेंड में चेक करते हैं, टू बी है, फिर से टू बी है, कॉलम को ऐड कर रहे हैं यू, तो टू बी और टू बी फाइव भी हो जाएगा, फोर भी हो जाएगा, फोर बी और बी फाइव भी हो जाएगा। तो ये फाइव बी माइनस सी माइनस ए आया। कहने का मतलब ये पैटर्न नहीं चल पाएगा, बैठ ही नहीं रहेगा। तो दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, दूसरे पैटर्न में आप कॉलम्स को ऐड करने की जगह रोज को ऐड करके देखो, क्या पता रोज में कुछ बैठ रहा हो। तो रोज को अगर ऐड करें तो देखो रो मतलब ऊपर ले जाकर के, इसको भी ऊपर, इन तीनों को, इन तीनों को भी ऊपर। तो ये a माइनस बी माइनस सी है, उसमें आप 2b ऐड करोगे और फिर 2c ऐड करोगे, तो कितना बनेगा देखें, a अपनी जगह पर एज इट इज, माइनस का b और प्लस का 2b, प्लस का b बन जाएगा, और 2c में से c माइनस हो करके एक c बच जाएगा। तो ये बचेगा फर्स्ट वाले में। तो सेकंड में चेक करते हैं, 2a और इधर है b माइनस सी माइनस ए, और लास्ट वाले में है 2c, देखते हैं क्या बनता है। देखो माइनस का a है और 2a है, 2a में से a माइनस होकर के a रहेगा, b सिंपल प्लस में है सिंगल, और 2c माइनस c c रहेगा, सेम बन रहा है। थर्ड वाले को भी करके देख लो, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, ये कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है देखो 2a में से a माइनस होकर के a ही बचेगा, 2b में से b माइनस होकर के b ही बचेगा, और एक लास्ट ये c बचेगा। तो तीनों से सेम बन रहा है, इसका मतलब वो हमने जो सोचा वो ठीक है कि हम इसको r1 में r1 प्लस r2 प्लस r3 कर लेते हैं, कॉलम से नहीं बैठ रहा है इसमें, रोज से बैठ रहा है। तो ऐसा करने पर तीनों में a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो मैं तीनों में a प्लस बी प्लस सी लिख देता हूं यहां पर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, अगेन a प्लस बी प्लस सी, और r1 में चेंज किया है, r2 r3 सेम लिखने हैं, तो ये 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b, ये हमारा बन गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां से कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लो, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहां आ जाएगा वन वन वन, टू बी बी माइनस सी माइनस ए, और टू बी टू सी टू सी C माइनस ए माइनस बी, ये हमारा बन गया। अब जो हम पैटर्न चाहते थे वो बन गया है, वन 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 हमारे पास आ गया है। जब वन 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 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो हम दो वन को जीरो बना लेते हैं, वो वन भले ही रोज में आए भले ही कॉलम्स में आए, उनमें से दो को जीरो बना लेते हैं और फिर आगे फर्दर एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं। तो मैं उस तरफ ऑपरेशन लिखूंगा, क्या ऑपरेशन लिखूंगा कि हमें इन दोनों को माइनस करना है, C2 में से C1 को हटा देंगे, ऐसे ही C3 में से C1 को माइनस कर देंगे, तो अपने आप ये दोनों जीरो बन जाएंगे और एक्सपेंड करके तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये हटाता हूं और उस तरफ करता हूं, देखिए
मैंने ये हटा दिया है, अब मैं वहां ऑपरेशंस लिख रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक एक स्टेप में किया था, इन दोनों स्टेप्स को आप चाहो तो एक बार में लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले में हम एक एक बार कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में हम एक साथ करेंगे। तो देखिए एक साथ कैसे करते हैं। सी टू में एक काम करना है हमें, सी टू में सी टू माइनस सी वन करना है। तो मैं यहां लिखता हूं कि हम सी टू में सी टू माइनस सी वन करने वाले हैं, और साथ में अगला वाला भी सेम, सी थ्री में सी थ्री माइनस सी वन करने वाले हैं। ये भी लिख दो आप साथ में ही, एक साथ लिख सकते हैं इनको, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टेप आपका बच ही जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा फाइनली, ये तो एज इट इज जो बाहर कॉमन चल रहा है वो तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे कैसे चलता रहेगा। इधर क्या बचेगा, वन टू बी टू सी एज इट इज, ये भी वन टू बी और टू सी एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम में कोई चेंज ही नहीं किया, चेंज हुआ है सेकेंड वाले में और थर्ड वाले में। तो सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो जरा, कितना बनता है देखें, वन में से वन को माइनस करेंगे जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या बनता है, देखें बी माइनस सी माइनस ए है, उसमें से माइनस करना है टू बी को, तो बी में से टू बी माइनस हो रहा है तो माइनस का बी बचेगा, और माइनस का ही सी है माइनस का ही ए है, तो अल्टीमेटली माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं अपन इसको सीधा करके एकदम। तो ये क्या बना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ऐसे ही टू सी में से टू सी को माइनस करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। सी थ्री कॉलम में भी सेम, सी थ्री माइनस सी वन करना है तो वन में से वन को इसको माइनस करोगे तो जीरो आ गया। टू बी में से टू बी को ही हटाना है, अगेन जीरो आ गया। और लास्ट वाला मैं एक बार करके दिखाता हूं इसको, इसमें से इसको हटाना है तो c माइनस ए माइनस बी में से 2c को हटाना है। अब c में से 2c हटाओगे तो माइनस का c बचेगा, माइनस का a और माइनस का b ऑलरेडी है, ये माइनस c और बच गया, सेम चीज ही बच गई। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस का a माइनस का b और माइनस का ही c। अब ये छोटा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है कि किसमें से किसको माइनस करना होता है, तो वो यहां पर समझ में आता है। C2 वाले एलिमेंट पहले लिखा जाएगा फिर C1 वाला, मैंने यहां पर ऐसे ही किया था, C2 वाला एलिमेंट फिर C1 वाला, ऐसे ही उधर है C3 माइनस C1, तो C3 वाला एलिमेंट पहले लिखा उसके बाद C1 वाला, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यहां पर जो लिखा जाता है उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। फिलहाल एक स्टेप और आपको लिखना है, उसमें सिंपल में आपको माइनस कॉमन लेना है क्योंकि इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस और ए प्लस बी प्लस सी आप इसको लिख सकते हो, ये जीरो एज इट इज। सेम इधर भी करेंगे, माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस का ये ए प्लस बी प्लस सी आप लिख लो। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये बनेगा देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो ये है ही, दो जीरो यहां बन चुके हैं, तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंडिंग अबाउट रो वन, मैं लिखा नहीं यहां पर लिख देता हूं, एक्सपेंडिंग अबाउट आर वन, फर्स्ट हो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं, वन इंटू वन इंटू वन पे आप क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो ये इंटू ये, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट लिख देता हूं मैं, अगली लाइन में कर लेंगे, ये जीरो जीरो और माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा माइनस, बीच वाले को माइनस में जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए लिख नहीं रहे अपन, अगेन जीरो है प्लस में तीसरा वाला, उसके साथ भी कुछ लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बना फाइनली, ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, और सेम चीज है इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर टू ही कर देंगे, माइनस माइनस खत्म हो गया प्लस हो गया, और माइनस में जीरो इंटू जीरो अगेन जीरो, इधर से जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या बना फाइनली, ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी प्लस सी की पावर टू,
टू पावर और ये वन पावर मिलकर के थ्री पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो गई थ्री पावर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है जिसमें तीनों रोज को या तीनों कॉलम्स को ऐड करने पर सेम चीज बन रही हो जिसको कि कॉमन लिया जा सके, तो हम उसको इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन लेने के बाद वन 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 बन जाता है, जिसको इजीली लास्ट लेक्चर वाले और लास्ट क्वेश्चन वाले पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग और आगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।